नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आपके लिए बहुत ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी न्यूज लेके आया हूँ, सरप्राइज न्यूज लेके आया हूँ कि आपको अभी अभी खबर पता लगी होगी कि महाराष्ट्र बोर्ड ने स्टेट बोर्ड को के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है ना, झारखंड बोर्ड पहले से ही पोस्टपोन हो चुका है। स्कूल दिल्ली में भी और यूपी में भी और बहुत सारे स्टेट में क्लोज हो चुके हैं। कोरोना के जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, और कंडीशन खतरनाक होती चली जा रही है। डेट शीट सीबीएसई की आ चुकी है, 4 मई से एग्जाम होने तय हो गए थे, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये भी जो एग्जाम है वो आपके पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर पोस्टपोन्ड होते हैं, अगर ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होते हैं तो आप ये बताइए कि फिर क्या करेंगे आप लोग। अगर ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होते हैं तो आप फिर क्या करेंगे। ठीक है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जाम को पोस्टपोन होने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि आप लोग क्या करें, कि आप लोग क्या करें कि नेक्स्ट जो आपका टारगेट है, नेक्स्ट जो टारगेट है आपका, नेक्स्ट जो एग्जाम क्लास है आपकी, उसकी पढ़ाई करनी शुरू कर दें। देखिए ये बड़ा डिसीजन होगा। रीजन मैं आपको बहुत साफ बात बता रहा हूँ कि जिस बच्चे ने 90% से ज्यादा तैयारी कर ली है, बार बार अगर वो बच्चा उसी बुक पर जाएगा तो थोड़ा सा उसे बोर फील होगा, चार्मिंग नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा, आपको अजीब लगेगा। जब हम नई नई चीजें सीखते हैं, जब हम स्कूल भी दौड़ते हैं, ट्यूशन भी दौड़ते हैं, दूसरी ऑनलाइन भी दौड़ते हैं, वो ही लाइफ होती है पढ़ने की। जब हम ठहर जाते हैं, जब हम रुक जाते हैं, जब हमारा रिपीटिशन होना शुरू हो जाता है तो लाइफ थोड़ी सी बोर हो जाती है। दूसरी तरफ बहुत सारा पोर्शन डिलीटेड है जो थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल है, खासतौर पर वही डिलीटेड है। ठीक है ना, और उसके बावजूद भी डिलीटेड होने के साथ साथ भी कोरोना की वजह से सभी लोगों ने लगभग ये बताया हुआ है कि जो क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड आएगा, लेवल जो होगा वो इजी होगा। बड़े क्वेश्चन 100% सीबीएसई बोर्ड में तो पहले भी एनसीईआरटी की बुक से ही आते थे, अभी भी उसी से आएंगे। बात रही केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की, तो उनकी प्रैक्टिस हम बहुत सारी कर चुके हैं। ठीक है ना, अब सवाल यह है कि अगर 3 महीने बाद एग्जाम होते हैं या 2 महीने बाद एग्जाम होते हैं, तो अगर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, सपोज करिए जून जुलाई में एग्जाम होते हैं, सपोज करिए अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आता है, दिसंबर में हमारा एडमिशन होता है, तो अगर सब कुछ सही रहा तो हर कोई बोर्ड मार्च अप्रैल में फिर दोबारा से अपने सेशन को फिनिश कर देगा। यानी कि सेशन आपका 2 मंथ का होगा, और सपोज करिए आप 11th में गए वहां पर। ठीक है ना, उसके बाद में अगर उससे नेक्स्ट ईयर में आप ये सपने देखते हैं कि मेरा आईआईटी क्रैक हो जाएगा या जेई मेंस में अच्छा कॉलेज और स्ट्रीम मिल जाएगी, या मेरा नीट क्रैक हो जाएगा, या फिर मेरा कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो बहुत डिफिकल्ट होगा बच्चे। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उसके लिए टाइम टेबल तो चाहिए, टाइम तो चाहिए। ठीक है ना, टाइम तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी, तुरंत के तुरंत नेक्स्ट क्लास की तैयारी कर लें, नेक्स्ट क्लास की तैयारी शुरू कर दें। इस चीज को भी चलाते रहिए आप, इस तरीके से परसेंटेज डिवाइड कर लें कि आप जो है 40% सीबीएसई का पढ़ेंगे और 60% जो है आप नेक्स्ट क्लास का पढ़ना शुरू कर दें। उस आप कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाफट से। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही इकोनॉमिक फीस है वहां पर, बहुत ही कम फीस है। ठीक है ना, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये मैंने आपको नई बात नहीं बताई है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैं आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखिए आपसे पहले अगर कोई 10th का बच्चा मेरे से ये पूछता था कि क्या मैं आईआईटी की तैयारी शुरू कर दूं, क्या मैं जेई की तैयारी शुरू कर दूं, क्या मैं नीट की तैयारी कर शुरू कर दूं, तो आपसे 4 दिन पहले तक भी मैं यही कहता था कि बिल्कुल नहीं। अभी आप केवल और केवल एनसीईआरटी पर फोकस करिए वापस, और उस क्वेश्चन भी मत करिए। ठीक
केवल एनसीईआरटी पर फोकस करिए और सैंपल पेपर करिए एक दो, और छोटे क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करिए। लेकिन अब मैं आपके लिए रास्ता बिल्कुल ओपन कर रहा हूँ बच्चे मेरी तरफ से, कि अगर आपका बड़ा सपना है ओब्वियसली होगा, और अच्छा पढ़ने वाले अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना आप आईआईटी की तरफ जाएं, क्यों ना आप नीट की तरफ जाएं, क्यों ना आप सीए की तरफ जाएं। तो नेक्स्ट क्लास की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए, और बहुत ही जरूरी है ये सब चीजें बतानी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अपने एग्जाम को पोस्टपोन कर चुका है, झारखंड बोर्ड ने कर दिया है, महाराष्ट्र बोर्ड को करना पड़ता क्योंकि उनकी डेट सीट 28 अप्रैल से थी, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड भी मेरा ख्याल है सारी गहमा गहमी चल रही है, वहां पर मीटिंग्स चल रही है, अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बता दूं, डिसाइड इसलिए ये नहीं कर पा रहे कि लगाए या ना लगाए, मतलब पोस्टपोन करें या ना करें, मुझे आप पक्का ऐसा लग रहा है, शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कि डिस्कशन ये चल रहा होगा कि कितना पोस्टपोन करें, ठीक है ना, आपको भी लग रहा होगा कितना पोस्टपोन करें, ये डिस्कशन चल रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि समीकरण कंडीशन सिचुएशन सबकी सब जो है ना यही कह रही है। तो मेरे साथ बने रहे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।